वो चित्त ही होता है पानी और वो वृत्तियां होती हैं इस रूप में।
और उसके उसके जस्ट आगे यही दिखाई हुआ कि एक नॉल था ऊपर, क्या एक पाइप जैसा था, हाँ, और वहाँ मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं नीचे हूँ और ऊपर तीन लोग देख रहे हैं। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा शुद्धता बढ़ती है, बढ़ती जाएगी तो पाइप जैसा दिखाई देता है, एकदम व्हाइट एकदम सफेद कोई चीज दिखाई दे, सफेद चीज को ऊपर के चलेंगे, उस शुद्धता नाड़ी का स्वरूप होता है, पूरी शुद्धता यानी ज्यादा शुद्धता ना होने के कारण ऐसा दिखता है। उसके तीन लोगों का क्या है कि हो सकता है तीनों से देवता है वो दिखाई दिए हो या तीनों देवियां, ज्यादातर ऐसा ही दिखाई देता है। और उसके आगे मतलब बिल्व पत्र था और गेंद का फूल रखा हुआ था, सीढ़ी था, तो मुझे लग रहा था कि आगे शिवलिंग होगा लेकिन शिवलिंग नहीं था जी। वो मूलाधार के मूलाधार में ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, बेल पत्र चढ़ा होता है और वो नहीं दिखाई देता। सही बात तो ये है कि कुंडली जिसमें लिपटी होती है जिस शिवलिंग पर, उसका दृश्य होता है, वो ऊपर से दिखाई देता है कि वो बेल पत्र रखे हुए हैं, आपने नहीं देख पाया, हो सकता है कि वो भविष्य में दिखाई दे जी। और उसके आगे मैं एक मंदिर की ओर खींचते चला गया जहाँ कुछ मंत्र लिखा हुआ था लेकिन मंत्र को मैं देख नहीं पाया जी। हाँ, मंत्र दिखाई देते हैं, मंत्र यानी अभी आपकी शुद्धता ना होने के कारण कुछ आपको याद भी नहीं होगा, कभी कभी स्पष्ट नहीं दिखाई देता होता है, कभी कभी अंतरिक्ष में लिखा कुछ दिखाई देता है, साधक बाद में ध्यान टूटने के बाद भूल जाते। और उसके बाद एक देवी सिंह के ऊपर बैठे हुए थे जिनका कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ साड़ी दिखाई दिया रेड कलर की। बहुत अच्छा अनुभव आया। कुंडली देवी कभी कभी साधकों को अम्बा देवी के रूप में दिखाई देती है, कारण ये है कि वो शक्ति ही अपने यानी इस स्वरूप में दिखाई देने लगती है। मैंने भी अभी बताया कि कभी कमला देवी की यानी लक्ष्मी देवी के रूप में दिखाई देती है, कभी शेरावाली के रूप में दिखाई देती है, कभी माता पार्वती के रूप में दिखाई देती है, कभी लोकनाथ उसको स्वयं स्वरूप बनाए होते हैं कि वो अद्वितीय सुंदर स्त्री है, मतलब स्वरूप है उसका, और तीनों नेत्र खुले हुए होते हैं, हाँ इस रूप में दिखाई देती है। और ऐसी अवस्था में मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि एक मेरठ के मेरे ही मित्र हैं इस समय, क्योंकि मेरठ के ही मित्र थे, बहुत पहले की बात है 93 के लगभग की 94 में, उन्हें भी ऐसे दृश्य आते थे, वो अम्बा देवी को बहुत देखा करते थे, जो मैंने कुंडली उस समय मैंने 93 में उनकी मूर्ति दी थी, तो उसी से संबंधित है। जब कुंडली जागृत हो जाती है तो कुंडली विभिन्न रूपों में दिखाई देती है जी। उसके बाद एक सिंह दिखाई दिया जी जी जी, उसी से संबंधित। और उसके बाद आज क्या प्रकाश ही था, हाँ वही सीधी रेखा प्रकाश रेखा वो दिखाई देती कुंडली इस रूप में दिखाई देती, उसके भिन्न भिन्न रूप है, इसका मतलब हुआ कि वो एक अच्छे रूप में दिखाई दे रही है, अर्थात कहीं न कहीं पर आपकी शुद्धता छिपी हुई है जी। और उसके बाद एक देवी दिखाई दी जिनके मतलब आधा आधा हिस्सा मुझे दिखाई दे रहा था, पहले ऐसा लगा कि इनका चार हाथ है लेकिन बाद में मुझे सिर्फ दो ही हाथ दिखाई दिया, मतलब एक ही साइड का दो ही हाथ, अगले साइड शायद दो ही हाथ होगा लेकिन दोनों एक हाथ में चक्र था और एक हाथ में पद्म था, ऐसा लग रहा था लेकिन पूरा स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। हो सकता है वो जिनका अभी सुबह नाम ले रहे थे जो मंत्र का जाप कर रहे थे, लक्ष्मी देवी का स्वरूप कभी कभी इस रूप में दिखाई देता। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जैसे आप सहस्रदल कमल का कमल से देवी खड़े हैं ऐसा मतलब मंत्र जाप करने से पहले बोल रहे थे, तो उस टाइम में ऐसा मैं कर रहा था लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद मतलब जब ध्यान कर रहे थे तो उस टाइम में सिर्फ कमल का मतलब दिखाई दे रहा था फूल और वो सिर्फ जल रहा था मतलब फूल, और वहाँ मतलब कोई खड़े हुए दिखाई दे रहे थे लेकिन कौन थे वो पता नहीं चल रहा था
जल रहा करके मतलब वो तो कमल का फूल था सहस्रदल कमल, लेकिन वो कमल का जो फूल है वो प्रकाश प्रकाश से ही बना हुआ था। अच्छा प्रकाश से ही बना हुआ था, हम मंत्र के कारण ऐसा दिखाई देता है। आप इस हमने नहीं लगाना कि कहीं मेरा शस्त्र खत्म तो नहीं किया, नहीं वो दिखाई देता। मैंने कहा नहीं मंत्र जो बोला था, जो मंत्र बोल रहे थे सहस्र कमल के ऊपर वो देवी खड़ी हुई है। अभी सब अभी आपकी शुद्धता भी उतनी नहीं है, साधना भी ज्यादा नहीं है, इसलिए कुछ स्वरूप में नहीं दिखाई थी, लेकिन जो सहस्र कमल दिखाई दे रहा है वो कुंडली का ही एक आसन समझ लो या उसके ऊपर विद्यमान रहते जी। उसके बाद एक देवी थे सामने और एक सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने उनको प्रणाम किया और देवी ने आशीर्वाद दिए कि वो मतलब कुछ मिठाई देवी को खिलाए और वो देवी खा रही थे, लेकिन उनका सिर्फ मुख दिखाई दे रहा था और वो पुरुष को अपना पीछे से भी देखा। इसका उत्तर मैं मिल गया उत्तर। आप लोग अपना निकालने में पुरुष कौन हो सकता है? एक सौ और उसके बाद एक एक सिद्ध पुरुष दिखाई दे रहे थे जो मतलब त्रिशूल लिए खड़े हुए थे और कभी कभी वो सिर्फ त्रिशूल ही दिखाई दे रहा था। कौन त्रिशूल? मुझे लग रहा है कि शिव जी। अच्छा अच्छा त्रिशूल लिए ना तो कोई तो मैं छोड़ा पूछने में जब दिखाई देता भगवान शिव के ऊपर उनका जो मंत्र ही जाप कर रहे हैं शिव शक्ति, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सही बात तो ये है कि हम आप भी हैं, ये हम आप भी उसी के स्वरूप हैं। अगर हम आप पुरुष हैं तो हमारे अंदर स्त्री तत्व भी है, मैंने अभी बोला नहीं, हमारे अंदर स्त्री भी छुपी हुई है। यानी प्रत्येक पुरुष तभी पूर्ण होता है, किताब पढ़ने में भी कुछ पता नहीं जाएगा। ठीक है भैया आपके अनुभव अगर हो रहे हैं तो बताइए सभी। और वो त्रिशूल भी कभी कभी जो दिखाई दे रहा था प्रकाश का त्रिशूल ही था। हाँ ये आपकी शुद्धता है, कुंडली का अग्रंथ हुई है, साधना को बनाए रखे और शुद्धता बढ़ेगी तो इसलिए स्थूल की स्थूल ना दिखाई देकर त्रिशूल की स्थूल ना दिखाई देकर के वो प्रकाश का बना हुआ दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म रूप का है इसलिए प्रकाश का बना हुआ दिखाई दे रहा है जी। और एक गदा दिखाई दिया, गदा शंख चक्र गदा पद्म तो देवी का तो और विष्णु भगवान का तो अस्त्र दिखाई दे अच्छा। हाँ इस साधक ने अभी जल्दी जल्दी से ढेर सारे अनुभव सुनाए हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि शिविर में आया इसे लाभ मिला। मैं यही चाहूंगा इस साधक से अपेक्षा रखूंगा कि अच्छी साधना करे, अगर अच्छी साधना करेगा तो शायद मैं इसे जल्दी ही मिल जाऊंगा। आप दोबारा बताएंगे कि अच्छा इन्होंने इत्तेमार पर काम किया कोई बात नहीं, उड़ीसा से कोई बात नहीं, उड़ीसा तो दूर है, वजीराबाद नजदीक है हमारे। ठीक क्या करते हैं सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करो, यूपीएससी सिविल सर्विस। कहाँ ड्यूटी लगती है आपके? नहीं प्रिपरेशन सर्जरी रूम में ही रहता है। अच्छा तैयारी तैयारी करते हैं मैं जल्दी आपको मौका दे देता कहीं आपकी कुंडली बैठने जाए। खैर ठीक है आप अपना स्नान ग्रहण करें, मैं कुछ थोड़ी देर में और भी कुछ निर्णय लेने वाला हूँ, उसमें शक नहीं करूँगा किसी एक की। हाँ अब आप माइक हाँ एक बात और है, इन सभी साधक भाइयों को मन से प्रणाम भाई। आप सभी से आखिरी बात मुझे तो नमस्कार छोड़ दिया और हमारे डॉक्टर साहब को जरूर करो कि उन्होंने मिलवा दिया। नहीं डॉक्टर साहब आशीर्वाद देने का अच्छा है, आप इसका अब इसका आगे का कर्म निश्चित करेगा कि इसे कैसा बनना। आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, पहली बार मिल रहा हूँ, मतलब कहने का हम इससे पहले कभी नहीं मिले, आप लोग भी नहीं मिले। इस लड़के का मन प्रशस्त हो गया है, अंकुर मोक्ष का रुक गया है, अंकुरित हो गया है। अब इसका कर्म होगा कि कितने मार पर कितनी स्पीड से भागता है या क्या करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।